हिंदुस्तान में धोती से 1000 से ज्यादा डिजाइन बन सकती है। और आप बोलेंगे जी धोती में क्या है, धोती दुनिया का ऐसा वस्त्र है जो बिना सिला हुआ है, और बिना सिले हुए वस्त्र में आप चाहें वो डिजाइन बना सकते हैं। और आप भारत के किसी भी इलाके में चले जाइए, धोती पहने हुए महिलाओं को देखकर बता सकते हैं कि ये किस राज्य की है। बंगाल की महिला की धोती, आसाम की महिला की धोती, महाराष्ट्र की महिला की धोती, आंध्र की महिला की धोती, सब राज्यों की महिलाएं खाली धोती ही पहन के खड़ी हों तो मैं बता दूंगा ये किस राज्य की है, और वो सत्य निकलेगा। पैंट पहने हुए किसी आदमी को पहचानना मुश्किल है ये किस राज्य का, क्योंकि भारत में कोई राज्य नहीं है जहां से पैंट निकली हो, वो तो यूरोप से आई है। स्कर्ट पहने हुए कोई महिला का पता नहीं। धोती इसलिए हम पहनते हैं कि उससे डिजाइन जैसी चाहे वैसी बनाए, पगड़ी इसलिए पहनते हैं कि जैसी चाहे डिजाइन बनाए। धोती और पगड़ी में बहुत बड़ा सौंदर्य बोध है। पगड़ी देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये आदमी किस इलाके का है, मारवाड़ी है कि मेवाड़ी, हड़ौती का है कि कहाँ का, पगड़ी देखते धोती देखते, क्योंकि दोनों ही बिना सिले हुए हैं। भारत में बिना सिले हुए वस्त्र पहनने की बहुत बड़ी परंपरा है। आप जानते हैं जितने बड़े धर्म यज्ञ होते हैं वहां आप बिना सिले वस्त्र पहनकर ही बैठ सकते हैं, क्योंकि पवित्रता उसी में है। ये सिले हुए वस्त्र तो यूरोप की नकल है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपने जीवन में थोड़ा भारतीय बनिए, कोशिश करिए। आज हम नहीं हैं, लेकिन कोशिश करें तो 2 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, ज्यादा कोशिश करें तो हमारी आगने वाली जनरेशन तो हो ही सकती है। हम शायद नहीं भी हो पाए, अगली जनरेशन को तो बना ही सकते हैं। बस उनको ये समझ दीजिए कि भारत क्या है, यूरोप क्या है, उनकी मान्यता क्या है, उनकी परंपरा क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, हमारी क्या है, उनका भोजन क्या है, हमारा भोजन क्या है। वो पिज्जा बर्गर क्यों खाते हैं, क्योंकि और कुछ खाने को है नहीं। यूरोप में 3-4 ही अन्न पैदा होते हैं और उससे 3-4 ही डिश बन सकती है, इसलिए ले देके उनके पास पिज्जा और बर्गर है। भारत में 1400 वस्तुओं का उत्पादन जमीन से होता है, यहां अलग अलग डिशेज हैं। मैं जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा हर दिन नई डिश खा सकता हूं, इस देश में इतनी ताकत है, वहां है ही नहीं।